दोस्तों आजकल एक स्कैम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मैं भी उसका शिकार हो चुका हूं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं ताकि आप उससे बच सकें। तो सब पर एक कॉल आई, वो नंबर बाहर से था, तो मैंने कॉल उठाई, उसने कहा सलाम अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, क्या हाल है, मैंने कहा ठीक, उसने कहा पहचाना, मैंने कहा नहीं, उसने कहा यार अफसोस की बात है दोस्त को नहीं पहचाना। मैं थोड़ा मैरस हो गया, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई कौन सा दोस्त है, तो फिर उसकी आवाज मेरे जिस दोस्त से मिल रही थी ना, जिससे मेरी काफी अरसे से बात नहीं हुई थी, मैंने उसको साथ जोड़ दिया। तो मैंने उसका वही होना जो गुजरात में रहते, उसने कहा, मैंने कहा भाई तुम यूके में मेरे साथ थे, फुला कंपनी में जॉब करते थे, उसने कहा हां बिल्कुल, तो मैंने कहा हाल है ठीक ठाक, उसने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने उसे कहा कि यार मुझे ना तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। वो थोड़ा परेशान हो गया, खामोश हो गया, उसके बाद उसने कहा कि अली, मैंने कहा यार मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अली नहीं था, उसने कहा अली था, मैंने कहा नहीं ये नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्या इसको ट्रैक करना, मैंने कहा क्या हाल है, उसने कहा ठीक, उसने पूछा क्या चल रहा है, मैंने बताया क्या चल रहा है, मैंने पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा यार तुमने मेरा नंबर देखा बाहर का, तो मैंने यहां बाहर कहीं फंसा हूं जॉब कर रहा हूं, मैंने कहा कि यार तुम लीबिया में थे तो वहां से आ गए, उसने कहा अब नोट करने के उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने खुद ही दे दी, उसने कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी, उसने कहा मैं वहां से आ गया था, इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूं एक जगह, और मेरा बॉस से फटा हो गया, मेरे वीजा का प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने पाकिस्तान में कुछ पैसे भेजने, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूं, यहां मेरे थोड़े कान खड़े हो गए, यार पैसों का मामला है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं था। खैर उसने कहा कि तुम्हें पैसे बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, मैंने कहा यार मैं तो शहर से बाहर हूं, उसने कहा बैंक से ले लेना, मैंने कहा मेरे तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, उसने कहा कि कोई बात नहीं तुम किसी भी बैंक से जाकर ले लेना, मैंने कहा चलो फिर तो फंस गए, लेकिन अगली बात उसने ऐसी की जो बड़ी अजीब थी, उसने कहा कि ये पैसे जो है ना तुम बेशक खुद भी यूज कर लेना, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, बंदा इतने से बाद मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है कि ये पैसे भेज रहा हूं तुम यूज कर लेना, वहीं मुझे जो है पूरा शक हो गया, तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने कॉल काट दी, मुझे लग रहा था कि यार ज्यादा देर बात हो रही है, हो सकता है मेरा डाटा ना लीक हो जाए, इसलिए मैंने कॉल काट दी, उसको ब्लॉक कर दिया। तो अभी एक दो दिन पहले जब मैं टिकटॉक देख रहा था, तो उसमें मेरे सामने स्कैम के बारे में वीडियो आ गई, उसको मैंने पूरा देखा, तो मुझे समझ आई कि मेरे साथ होना क्या था, उसने करना यह था कि उसने एक झूठी स्क्रीनशॉट बनानी थी और मुझे भेजनी थी कि मैं तुम्हें पैसे भेज दिए 4.5 लाख, लेकिन उसने कहना था कि यार क्योंकि मैं दूर बैठा हूं तुम्हें पैसे मिलने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन आधे घंटे या घंटे बाद उसने मुझे दोबारा कॉल करनी थी और कहना था कि यार बड़ी इमरजेंसी होगी, जो मैं तुम पैसे भेजे ना उसी में से मुझे 50,000 लाख रुपए वापस भेज दो, फुला इजी पैसा अकाउंट में, तो मैंने भेज देने थे कि भाई इसके पैसे रस्ते में मुझे मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होना था कि ना फिर वो बंदा मिलना था ना वो फोन मिलना था। तो बताने का मतलब यह है कि आपके पास भी इस तरह की कॉल है, स्पेशली व्हाट्सएप पे कॉल है और बाहर से आए, तो आपने बहुत ज्यादा मुताहत रहना। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।